सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी ने रेली भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बेंगलुरु, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान में अजमेर, भिंड, बारा, झालावर, कोटा, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के लिए कैसे आपको आवेदन करना है और जो भर्ती की पूरी प्रक्रिया है कैसे होगी, क्योंकि अभी COVID-19 के कारण भर्ती प्रक्रिया जो है वो स्थगित हो रखी है, लेकिन आर्मी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और किन किन पदों के लिए ये वैकेंसी निकली हैं, किन किन पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। और इन सभी राज्यों का जो आवेदन लिंक है और जो नोटिफिकेशन है आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका नोटिफिकेशन देख के आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं सारी जानकारी आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ, वहाँ से आप इन सभी राज्यों के लिए, इन सभी ज़िलों के लिए आवेदन कर सकते हैं और जो पूरी जानकारी है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी भर्ती नोटिफिकेशन देखने के लिए रैली का जो नोटिफिकेशन निकले हैं, रैली के नोटिफिकेशन देखने के लिए joinindianarmy.nic.in की वेबसाइट पर आएंगे। यहाँ आप होम पेज पर नीचे आएंगे और यहाँ आप देख सकते हैं JCO OR एंट्री और यहाँ इसका नोटिफिकेशन चल रहे हैं और व्यू ऑल पे आप क्लिक कर देंगे। व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो लेटेस्ट जो रैली जो JCO और OR की भर्ती के लिए निकली है, जैसे कि राइफलमैन वगैरह के लिए GD की भर्ती जो निकलती हैं, उनकी सभी के नोटिफिकेशन यहाँ आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ आप स्टेट वाइज और जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो वैकेंसी जिन स्टेट के लिए निकली है यहाँ उनका नाम आ जाता है, यहाँ उनका जो है नोटिफिकेशन लिंक दिया हुआ है। तो यहाँ से दोस्तों नोटिफिकेशन आप क्लिक कर लेंगे अपने स्टेट का और अपने जो डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पूरा नाम दिखा रहता है, तो यहाँ से आपने खोल लेना है। इसी तरह दोस्तों, ये आप देख सकते हैं ये भर्ती जो निकली है 26 अक्टूबर 2020 से 10 नवंबर 2020 तक रहेगी और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है भर्ती का स्थान बाद में सूचित किया जाएगा। दिल्ली राज्य और हरियाणा राज्य के जो ज़िले हैं फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, नूह और पलवल के लिए योग्य उम्मीदवार सेना भर्ती रैली दिनांक 26 अक्टूबर 2020 से 10 अक्टूबर तक होगी। इसमें साफ साफ लिखा हुआ भर्ती का स्थान बाद में सूचित किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य है, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन के बाद ही आप भर्ती में शामिल हो सकते हैं। तो अभी आप आवेदन आपको करना होगा इसके लिए, और इसमें साथ साथ में पहले भी इसके लिए नोटिफिकेशन निकाला गया था, तो जिन्होंने तब आवेदन किया होगा उनको भी वैध माना जाएगा। प्रवेश पत्र बाद में इसमें भर्ती की जो डेट घोषित की जाएगी उससे 20 दिन पहले इसी वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। और उम्मीदवारों का चयन निम्नलिखित श्रेणी के लिए किया जाएगा जिनकी योग्यता निम्नानुसार है, यहाँ दे रखा है। तो सबसे पहले सैनिक जनरल ड्यूटी यानी GD की भर्ती के लिए इसमें वैकेंसी निकली है। 17.5 से 21 वर्ष इसमें आयु रखी गई है। 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2003 तक जिनकी एज इसके बीच है वो आवेदन कर सकते हैं। और 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, वजन 50 किलो होना चाहिए और छाती होनी चाहिए आपकी 77+5 सेंटीमीटर फुला के, ये इसमें शारीरिक योग्यता है। शैक्षणिक योग्यता में मैट्रिक पास होना चाहिए यानी 10th पास होना चाहिए, कम से कम एक विषय में 33% नंबर आपके होने चाहिए, जो हर विषय में 33% नंबर होने चाहिए, 45% आपके टोटल नंबर होने चाहिए। शैक्षणिक योग्यता जो है किसी भी बोर्ड से आपका होना चाहिए और ये इसमें शैक्षणिक योग्यता दी हुई है। इसी तरह सैनिक तकनीकी की वैकेंसी भी निकली है और इसमें भी 17.5 से 23 वर्ष एज रखी गई है। 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 इसमें एज क्राइटेरिया रखा हुआ है। 170 इसमें हाइट रखी हुई है, 50 किलो वजन रखा हुआ है, 77+5 सेंटीमीटर फुला के आपका सीना होना चाहिए। इसी तरह 10+2 इसमें मांग रखा है इंटरमीडिएट, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी के साथ में भी आपका जो है 40% अंक पर सब्जेक्ट में होने चाहिए और टोटल आपके 50% अंक अनिवार्य हैं। इसी तरह सैनिक तकनीकी एविएशन गोला बारूद में भी सेम ये रखा गया है। सैनिक नर्सिंग असिस्टेंट की भी इसमें वैकेंसी निकली है, 17.5 से 23 इसमें एज रखी गई है। 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 इसमें आयु सीमा रखी गई है। 170 सेंटीमीटर इसमें आपकी हाइट मांगी गई है, 50 किलो वजन मांगा गया है और 70+5 सेंटीमीटर सीना फुला के इसमें मांगा गया है। 10+2 इसमें मांगा गया है इंटरमीडिएट परीक्षा विज्ञान वर्ग में भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान और अंग्रेजी विषय के साथ में प्रत्येक विषय में 40% अंक और कुल औसत अंक 50% होना अनिवार्य है। सैनिक क्लर्क की भी इसमें वैकेंसी निकली है, साथ ही सैनिक ट्रेडमैन 10वीं पास की वैकेंसी निकली है, सैनिक ट्रेडमैन 8वीं पास की भी वैकेंसी निकली है। शारीरिक मानदंड इसमें लिखे हुए हैं, गढ़वाली कुमाऊनी के लिए जो दस्तावेज इसमें लगते हैं, जाति समुदाय प्रमाण पत्र,
पहाड़ी क्षेत्र प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र सरपंच नगर निगम द्वारा, और जाति और पहाड़ी का जो है वो तहसीलदार मजिस्ट्रेट द्वारा। इसी तरह डोगरा के लिए जाति समुदाय डोगरा प्रमाण पत्र, डोगरा क्लास प्रमाण पत्र तहसीलदार मजिस्ट्रेट द्वारा, लंबाई में छूट के लिए जो प्रमाण पत्र वो भी तहसीलदार द्वारा, और चरित्र प्रमाण पत्र जो है वो सरपंच या नगर निगम परिषद द्वारा होना चाहिए। और इसी तरह इसमें जो छूट मिलती हैं सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिकों और युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवा, भूतपूर्व सैनिक की विधवाओं के लिए जो उनके बच्चे होते हैं उनके लिए कद में 2 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी, छाती में 1 सेंटीमीटर की छूट, वजन में 2 किलो की छूट मिलेगी। गोद लिया हुआ या दामाद जो कि युद्ध में शहीद सैनिक की विधवा का हो, यदि उसका कोई पुत्र न हो, साथ ही सेवारत सैनिक या भूतपूर्व सैनिक का लीगल तरीके से गोद लिया हुआ हो तो उसमें भी आपको 2 सेंटीमीटर कद में छूट मिलेगी, 1 सेंटीमीटर छाती में और 2 किलो वजन में। इसी तरह उत्कृष्ट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय राज्य या राज्य जिला स्तर पर पिछले दो वर्ष में प्रथम या द्वितीय स्थान हासिल किया हुआ हो उसको 2 सेंटीमीटर की हाइट में छूट मिलेगी, 3 सेंटीमीटर की छाती में और 5 किलो वजन की जो है वजन में छूट मिलेगी। इस तरह दोस्तों इसमें पूरी जो रैली से रिलेटेड जो पूरी जानकारी है इसमें बताई गई है। दौड़ कितनी होगी, 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की दौड़ होगी, जो कि आपका ग्रुप वन के लिए 5 मिनट 30 सेकंड, ग्रुप टू के लिए 5 मिनट 31 सेकंड। अंकों का बताया गया है कितने अंक इसमें कितने टाइमिंग के लिए मिलते हैं और उसके बाद की पूरी जानकारी इसमें दे रखी है। इसी तरह दोस्तों और राज्यों में भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग ज़िलों में वैकेंसी निकली है, सभी के लिए आप joinindianarmy.nic.in की वेबसाइट से सभी का जो नोटिफिकेशन है देख सकते हैं और सभी के लिए आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं। इसी तरह दोस्तों जो राजस्थान में वैकेंसी निकली है, अजमेर, बारा, भिंड, भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालवार, कोटा के लिए जो वैकेंसी निकली है, सोल्जर GD सोल्जर टेक्निकल सोल्जर क्लर्क के लिए वैकेंसी निकली है, इसकी भी दोस्तों इसी तरह की पूरी प्रक्रिया है। सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए 17.5 से 21 वगैरह और 1 अक्टूबर 1999 से इसमें भी एज मांगी गई है। सभी के लिए सेम इसमें शैक्षणिक योग्यता वगैरह, हाइट वगैरह और बाकी मेजरमेंट रखे हुए हैं जैसे कि आप सभी को मालूम है। joinindianarmy.nic.in की वेबसाइट पे इसके नोटिफिकेशन आपको यहाँ से मिल जाएंगे, यहाँ से आप अपने स्टेट का नाम देख के यहाँ से उसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं और नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अप्लाई आपको कैसे करना है, अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ लिंक आपको मिल जाता है। रजिस्ट्रेशन अगर आपने कर रखा है तो सीधे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आपका इस तरह से ये पेज खुल जाता है, क्योंकि हमने इसमें पहले से ही लॉगिन किया हुआ है, आपको पहले लॉगिन आईडी मांगेगा। लॉगिन आईडी जब आप लॉगिन कर लेते हैं तो यहाँ आपकी पूरी डिटेल आ जाती है और उसके बाद आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपने joinindianarmy.nic.in की वेबसाइट पे आप आवेदन कर सकते हैं जो रैली निकली है इंडियन आर्मी की, और इसी तरह ये सारी जो नोटिफिकेशन है यहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने इस वीडियो में आपको बताया किन किन राज्यों में किन किन जगह के लिए वैकेंसी निकली है, इंडियन आर्मी जो भर्ती होती है भर्ती का जो नोटिफिकेशन निकल चुका है, लेकिन जैसे कि नोटिफिकेशन वगैरह में बताया हुआ है कि भर्ती की जो डेट है और जो जगह है वो आपको बाद में बताई जाएगी, लेकिन दोस्तों आपको आवेदन अभी से करना होगा क्योंकि बाद में जो जिन लोगों ने इन भर्तियों के लिए आवेदन किया होगा जो कि अभी नोटिफिकेशन निकल रखे हैं जो आवेदन कर पाएंगे, और जो आवेदन नहीं करेंगे उनके लिए बाद में आवेदन लिंक एक्टिवेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि आवेदन अभी अगर आप कर लेते हैं तो भर्ती की जो जगह है और भर्ती का जो डेट है वो बाद में घोषित किया जाएगा और उस दिन आपको वहाँ जाना होगा। लेकिन दोस्तों अगर आपकी एज ओवर हो जाती है बाद में तो बाद में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी अगर आप आवेदन कर देते हैं तो ओवर एज होने के कारण भी आप जो आपका आवेदन है आवेदन हो जाने के कारण आप भर्ती में शामिल हो सकते हैं। तो जैसे हमने आपको इस वीडियो में बताया किन किन स्टेट के लिए किन राज्यों के लिए किन जिलों के लिए वैकेंसी निकली है, इन सभी का हमने डिटेल आपको बता दी है। और इंडियन आर्मी भर्ती रैली से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।